अपनी कुव्यवस्था को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाला कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित जिला अस्पताल एक बार फिर अपनी लापरवाही को लेकर चर्चा में है। पूरा मामला एक नवजात बच्चे की मौत का है, जिसमें मृत नवजात के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण उनके बच्चे की मौत हुई। इसकी जानकारी पीड़ित परिवार ने 8 अक्टूबर को सिटी पुलिस कोतवाली बैकुंठपुर में दी थी। परिजनों ने बताया कि बच्चे का जन्म सामान्य प्रसव से हुआ था और कल शाम तक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोरिया कलेक्टर द्वारा एक जाँच टीम गठित की गई थी, उससे पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में जिला अस्पताल सीएस आयुष जायसवाल ने बताया कि जांच टीम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जवाब संतोषप्रद नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हम बताएंगे कमलेश्वर सिंह। अच्छा, क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है सर, डिलीवरी 8 तारीख को लाए थे, इसके बाद डिलीवरी हुआ, इसके बाद बच्चे को आईसीयू में ले गए, हम देख भी नहीं पाए, तो उसके सिर में थोड़ा सा सूजन था। उसके बाद दूसरे दिन कल शाम को बताए कि ठीक हो गया है। थाने में आए हैं, किस मामले को लेकर क्या हुआ? तो बच्चा का वो मतलब अच्छे से देखभाल नहीं किए, मतलब कैसे हुआ उसका मृत्यु जानकारी हम लोग को नहीं बताई। मतलब मकराम है, मकराम का गर्भवती कराने वाला हूँ, वो मेरे बहन के बच्चे थे, मैं बच्चे का मामा था। तो मतलब बच्चे डिलीवरी के टाइम में स्वस्थ था, स्वस्थ होने के बाद भी आईसीयू में ले गए थे ऊपर में। ऊपर ले जाने के बाद सामने वाले बोले कि बच्चा स्वस्थ है, खेलने कूदने लायक अपना खेल रहा था बच्चा। उसके बाद सवेरे मतलब बच्चे की माँ जब देखी तो बताई कि मुँह से झाग निकल रहा, और बच्चे डॉक्टर अभी तक मतलब नहीं बताया सूचना में कि बच्चे का डेथ हो गया कि मृत्यु हो गया, तो जानकारी अभी तक किसी नहीं दी है। मौत का मामला सामने आया था, जिसमें प्रथम दृष्टया लापरवाही पाते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, क्या विषय है बताएंगे इसका? देखिए, कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार एक जांच टीम गठित हुई थी, जिसमें एसएनसीयू में एक बच्चे को मृत्यु हो गई थी, तो जिसकी अभी हम कलेक्टर महोदय के निर्देश पर जांच टीम गठित हुई, उसके बाद अभी उनको कारण बता नोटिस जारी किया गया है। जवाब अगर संतोषप्रद नहीं आता है तो उस पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।